हेलो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्रियन कोकनी गुड़ नारियल की बर्फी। अगर सबसे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस बर्फी को बनाना बहुत ही आसान है, कम टाइम लगता है और बहुत ही ईजी बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, आसान भी है और हेल्दी भी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम को ऑन किया है और फ्लेम को लो रखा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश वाला नारियल। फ्रेश कोकोनट हमने लिया है, यहाँ पर बड़े नारियल की आधी वाटी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मेजरिंग कप से ये एक कप मेजरमेंट वाले कप से हमने ये नाप कर लिया है, तो इसे हमें लो फ्लेम पे ही स्टर करना है। इसी में हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और इसे हमें स्टर करना है 2 मिनट तक। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है और अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इस फ्रेश कोकोनट को एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी बर्तन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पानी और उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ गुड़। पानी में हमें गुड़ को पकाना है। फ्लेम को हमने हाई किया है और हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। इसकी हमें चाशनी बनानी है। फ्लेम को हमने लो रखा है और देखिए यहाँ पर गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून घी। फ्लेम को लो रखा है और लो फ्लेम पे ही हमें इसकी चाशनी बनानी है। हमने सारी चीज़ों को इस तरह के कप से, मेजरिंग कप से नाप कर लिया है और यहाँ पर हमने मेजरिंग कप इसलिए बताया है ताकि काफ़ी लोगों के समझ में मेजरिंग कप नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग वाला कप भी बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हो चाशनी हमारी एक तार की बन चुकी है। यहाँ पर देखिए तार निकल रहे हैं, तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और जो हमने यहाँ पर खोपरे को यहाँ पर भून कर रखा है तो इस खोपरे को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से स्टर कर लेते हैं। फ्रेश नारियल को हमने देखिए इसमें चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है, गुड़ की चाशनी के साथ मिला लिया है और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरह से स्टर करेंगे ताकि इसमें जो हल्का सा जो मॉइस्चर है ये निकल जाए। ड्राई होने तक हमें चलाते रहना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आप देख सकते हो इसमें जो मॉइस्चर था ये निकल गया है, तो अब हम इस कोकोनट को पकाए हुए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेट को हमने ग्रीस कर लिया है घी से, तो इस प्लेट में हमें इसे सेट करना है। देखिए इस तरीके से हमने इसमें निकाल लिया एक प्लेट में और अब हम इसे सेट करेंगे। इस तरह से चम्मच से स्पैचुला से फ्लैट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से प्लेट में सेट कर लिया है। कम क्वांटिटी में बताया है क्योंकि व्यूवर्स की फरमाइश पर ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी डबल करके बना सकते हैं। इसे अब हम पीसेस में कट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गुड़ नारियल की बर्फी ठंडी हो चुकी है और हमने इसे पीसेस में कट कर लिया है। देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।